हेलो स्टूडेंट, तो आज सामाजिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी। देखिए नागरिक शास्त्र को मालूम है सामाजिक विज्ञान के चार पार्ट हैं, दस में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल। तो इतिहास के बाद आज हम नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी। देखिए नागरिक शास्त्र जो है सिविक्स, ये जो सिविक्स है, सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो नागरिक शास्त्र सिविक्स है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सिविस और सिविटास। सिविक्स और सिविटास नागरिक शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। सिविक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, सिविक्स और सिविटास। सिविक्स का क्या अर्थ होता है? सिविक्स का अर्थ होता है नगर। सिविक्स का अर्थ होता है नगर, और सिविटास का क्या अर्थ होता है? राज्य। सिविक्स का अर्थ होता है नगर और सिविटास का राज्य। मतलब ये कि नागरिक शास्त्र क्या हुआ कि नगर और राज्यों में रहने वाले लोगों का, रहने वाले नागरिकों का अध्ययन ही क्या होता है? नागरिक शास्त्र। हम नागरिक शास्त्र किसे कह सकते हैं? नगर राज्य में रहने वाले नागरिकों का अध्ययन ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। तो ये था नागरिक शास्त्र। अब चैप्टर पे आते हैं, सत्ता की साझेदारी। इसमें आज हम दो पॉइंट पे चर्चा करेंगे, एक बेल्जियम और श्रीलंका, और दूसरा श्रीलंका में बहुसंख्यक वाद। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम जो, देखिए जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। और ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में ये हरियाणा, जो भारत का एक राज्य है हरियाणा, उससे भी छोटा है। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोप का राज्य है, और क्षेत्रफल में वह इससे हरियाणा, जो भारत का छोटा सा राज्य हरियाणा, उससे भी छोटा है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की क्या राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम के बारे में हम पढ़ेंगे, बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो हरियाणा से भी छोटा है। अब इसकी सीमाएँ जो हैं, इसकी सीमाएँ किस किस से मिलती हैं? फ्रांस में, फ्रांस से मिलती हैं, नीदरलैंड से मिलती हैं, नीदरलैंड, उसके बाद जर्मनी से मिलती हैं, और फिर लग्जमबर्ग से मिलती हैं। लग्जमबर्ग, तो इसकी सीमाएं चार देशों से मिलती हैं यूरोप के। कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अब यह आबादी में, इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से अधिक है। इसकी आबादी कितनी है? लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से अधिक है। तो लगभग 1 करोड़ से अधिक है, और यह एक छोटा सा देश समाज की जाति बनावट में बहुत ही जटिल है। लेकिन इसकी जो जाति बनावट है वो बहुत ही जटिल है। देखिए इसकी कुल आबादी का, जो इसकी कुल आबादी है उसका 59%, कितना? 59% बेल्जियम की कुल आबादी का 59% का हिस्सा किस इलाके में रहता है? वहाँ का एक जो इलाका है फ्लेमिश। कौन सा इलाका है? बेल्जियम में एक क्षेत्र है, इलाका है जिसे फ्लेमिश कहा जाता है, वहाँ पे 59% लोग रहते हैं। यानी कि हम ये कहें कि अगर इसकी जनसंख्या 1 करोड़ है तो लगभग 59 लाख लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा 1 करोड़ से इसकी जनसंख्या ज़्यादा है। और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ये जो फ्लेमिश लोग हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं 59% लोग, कौन सी भाषा बोलते हैं? डच बोलते हैं। और जो शेष जो हैं 40% लोग, वे कहाँ पे रहते हैं? शेष 40% लोग वेलोसिया क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पे? वेलोसिया क्षेत्र में रहते हैं। 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश में, और डच बोलते हैं, और 40% लोग वेलोसिया क्षेत्र में रहते हैं, और वे कौन सी भाषा बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा। 40% लोग जो वेलोनिया में रहते हैं वे कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और जो शेष 1% लोग हैं, बाकी 1% लोग हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वे लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बाकी 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो आप
मतलब मैंने क्या बताया कि 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं, 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और शेष जो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। और जो राजधानी है इसकी ब्रुसेल्स, इसकी ब्रुसेल्स की जो राजधानी है उसमें 80% लोग क्या करते हैं, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इसकी राजधानी में जो 80% लोग रहते हैं वे फ्रेंच बोलते हैं, और इसके अलावा जो 20% लोग हैं, यानी कि इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो इतनी बनावट यहाँ की बहुत ही जटिल है, इसकी जाति बनावट क्या कह सकते हैं, बहुत ही जटिल है। अब जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, यानी कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो काफ़ी समृद्ध हैं और ताकतवर हैं। बहुत बाद में आकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की स्थिति से नाराजगी थी, यानी कि बाद में जो डच भाषी लोग थे उनका आर्थिक विकास और शिक्षा पाने वाले डच भारतीय लोग थे जो बाद में आकर वहाँ पे बसे थे उनका आर्थिक विकास हुआ, वे इस स्थिति से क्या थे, काफ़ी नाराज थे। इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते 1950 1950 से 60 के बीच, इसके चलते 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। आपको मालूम है कि फ्रेंच 80% लोग बोलते हैं ब्रुसेल्स में, वहाँ की राजधानी जो है बेल्जियम की, और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ पे दिखा, ब्रुसेल्स में दिखा। कहाँ पे, ब्रुसेल्स में जो उसकी राजधानी थी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या हुआ, दोनों जातियों के बीच फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच तनाव बढ़ने लगा, और सबसे अधिक यह कहाँ पे दिखा, ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी, ये समस्या जो थी वो बहुत ही अलग थी। देखिए, जो डच बोलने वाले लोग थे उनके संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे, यानी कि डच बोलने वाले लोग थे उनकी तुलना में वे लोग ज़्यादा थे लेकिन धन और समृद्धि की तुलना में काफ़ी कम थे। देखिए, अब हम इसके उलट हम श्रीलंका के बारे में अब जानेंगे कि श्रीलंका में क्या था। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, आप सभी को मालूम है कि श्रीलंका कहाँ है, जो भारत की जो नक्शा है दक्षिण भारत का, वहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे श्रीलंका रहता है, तो ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण तट पे है, यह कहाँ पे है, तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पे है और कुछ किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि हम जो भारत का मैप है ये, तो ये सॉरी ऐसे भारत का मैप है तो ये श्रीलंका है, ये यहाँ पे तमिलनाडु है और ये समुद्र है, उसके बाद श्रीलंका, यानी कि थोड़े से ही दूर पे क्या है, तमिलनाडु से थोड़े से ही दूर पे श्रीलंका पाया जाता है। इसकी आबादी कितनी है, 2 करोड़, इसकी आबादी कितनी है, 2 करोड़ है, और यानी कि हरियाणा के बराबर, हरियाणा की भी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, श्रीलंका की राजधानी भी 2 करोड़ है, और ये कहाँ पे है, दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातियों समूह के लोग रहते हैं, जैसे कि दक्षिण एशिया में रहते हैं उसी तरह से कहाँ पे रहते हैं, श्रीलंका में। देखिए, मैंने बेल्जियम के बारे में आपको क्या बताया, बेल्जियम में 59% लोग उसके फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, 40% लोग ओलोनिया में रहते हैं, और कौन कौन सा जो क्षेत्र है मैं आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, यह है मैप बेल्जियम का, ये बेल्जियम का मैप है, तो ये देखिए, ये कौन से लोग हैं, ये इतना, ये फ्लेमिश लोग हैं जिनकी जनसंख्या कितनी है, 59%, बेल्जियम का 59% ये लोग हैं, और इसके अलावा वेलोन क्षेत्र, और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, जो फ्लेमिश में रहते हैं डच बोलते हैं, ये सभी डच डच बोलने वाले हैं, और इसके अलावा ये वेलोन लोग जो हैं, वेलोन लोग ये हैं, वेलोन लोग ये हैं, वेलोन लोग जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इसके अलावा इसी में ये फ्लेमिश, ये वेलोन, और ये कौन से लोग हैं, ये जर्मन भाषी बोलने वाले जो जर्मनी की भाषा बोलते हैं, और इसी में इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में
कौन से लोग रहते हैं? ब्रुसेल्स, जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स बेल्जियम की, यहाँ पे लोग रहते हैं, जिसमें 80% लोग क्या बोलते हैं, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो ये इसकी भाषा क्षेत्र के आधार पे क्या है, अलगाव है, यानी कि इस तरह से ये अलग हुआ है। तो हम थे श्रीलंका पे, श्रीलंका की आबादी कितनी है लगभग, श्रीलंका की आबादी कितनी है 2 करोड़, श्रीलंका की आबादी कितनी है 2 करोड़ है, और यह दक्षिणी एशिया में बसा हुआ है, और इसमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं। देखिए आबादी का कुल 74%, जो श्रीलंका की 2 करोड़ आबादी है उसमें 74% क्या है, तमिल लोग हैं, सॉरी 74% लोग सिंहली हैं, सिंहली यानी कि श्रीलंका के मूल निवासी 74% लोग सिंहली हैं, और उसके बाद किसका नंबर आता है, तमिलों का, तमिल जो तमिलनाडु से जाकर बस गए थे वही तमिल कहलाते हैं। सिंहली 74% हैं और उसके बाद तमिलों का नंबर आता है। तमिलों की कुल संख्या कितनी है, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या जो 2 करोड़ है उसका 18% लोग क्या है, तमिल लोग हैं। 74% लोग 2 करोड़ में 74% लोग कौन है, सिंहली जो वहाँ के मूल निवासी हैं, और 18% लोग तमिल हैं। अब जो तमिलों में भी 2 समूह हैं, तमिल जो लोग वहाँ पे 18% बसे हैं उसमें भी 2 समूह हैं, कौन कौन, एक श्रीलंकाई मूल, एक श्रीलंकाई मूल के हैं, श्रीलंकाई मूल के हैं, और दूसरे कौन हैं, हिंदुस्तानी तमिल, एक श्रीलंकाई तमिल हैं और दूसरे कौन हैं, हिंदुस्तानी तमिल। इस तरह से तमिल 2 भागों में बटे हुए हैं। देखिए जो जब तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है, यही जो हिंदुस्तानी तमिल है, जो औपनिवेशिक काल में यानी कि जब यूरोपीय शासन कर रहे थे भारत और श्रीलंका में, तो वे वहाँ पे गए थे बागानों में काम करने के लिए। और जो मौजूदा श्रीलंका का नक्शा है उस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं, यानी कि तमिल कहाँ पे हैं, तमिल जो हैं वे उत्तर और पूर्वी प्रांतों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अधिकतर सिंगली भाषा लोग बौद्ध हैं, यानी कि सिंगली लोग जो हैं वे कौन सी भाषा बोलते हैं, बौद्ध, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान है। देखिए जो सिंगली भाषी लोग सिंगली बोलने वाले हैं उनमें अधिकतर लोग कौन हैं, बौद्ध हैं। सिंगली बोलने वालों में कौन से धर्म के हैं, कौन से धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और जो तमिल भाषी लोग हैं उनमें हिंदू और मुसलमान है, तमिल भाषी में कौन कौन है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान है, और जो सिंगली भाषी लोग हैं वो बौद्ध है। देखिए श्रीलंका की जो आबादी है उसमें ईसाइयों का भी हिस्सा है, उसमें ईसाई कितने परसेंट हैं, 7%, श्रीलंका की आबादी में 7% ईसाई हैं, और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये जो ईसाई लोग हैं वे सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं। अब सोचिए कि अगर बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या में के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप लें, यानी कि आपको मालूम है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, अब वे कम भाषा बोलने वाले फ्रेंच और जर्मन पे दबाव बनाने लगे तो क्या होगा, उनके बीच लड़ाई और बढ़ जाएगी। यानी कि अगर जहाँ पे जनसंख्या जिनके लोगों की ज़्यादा है वे लोग कम जनसंख्या वाले लोगों पे दबाव बनाने लगे, अपनी बातों को थोपने लगे तो क्या होगा, आप सभी को मालूम है क्या होगा, टकराव बढ़ जाएगी, तो उनके बीच की लड़ाई और बढ़ सकती है। तो संभव था कि इससे देश बट जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे देश के बटने की संभावना बढ़ गई थी। इसलिए क्या किया गया, दोनों पक्षों में ब्रुसेल्स पर दोनों पक्षों में अपना अपना अलग अलग, अगर मतलब कि अगर उन लोगों को दबाव बनाया जाता तो दोनों के टकराव से क्या होता, देश को अलग होने की संभावना थी, इसलिए ब्रुसेल्स पर दोनों अपने अपने दावा ठोकते थे, यानी कि ब्रुसेल्स पे मेरा जर्मन सॉरी डच चाहते थे कि ब्रुसेल्स पे मेरा अधिकार हो, फ्रेंच चाहते थे कि ब्रुसेल्स पे मेरा अधिकार हो। तो श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था, श्रीलंका में 74% लोग क्या थे, सिंगली थे, तो उनकी जनसंख्या तो वैसे ही ज़्यादा थी, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा थी। जबकि जो ये लोग थे बेल्जियम में वे 40 और 59%
के बीच का अंतर था, जबकि श्रीलंका में 74 और 18% के बीच का अंतर था। तो ये था बेल्जियम और श्रीलंका। अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी कि श्रीलंका में कैसे बहुसंख्यक लोगों की संख्या बढ़े और उन्होंने क्या क्या किया। तो सन 1948 ईस्वी में, 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उस समय जनसंख्या किनकी ज़्यादा थी, सिंहली लोगों की। सिंहली लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी, 74% थी। वे क्या करना चाहते, सत्ता पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने क्या किया, सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्त के कई कदम उठाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। देखिए श्रीलंका में 74% सिंहली थे और 18% तमिल, लेकिन जब 1956 का कानून बना तो सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया, और सिंहली को राजभाषा घोषित किया, तमिल 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 लोगों को क्या किया गया, तमिल की भाषा को दरकिनार कर दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया, विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। जैसे कि अफ्रीका में क्या हुआ था, अफ्रीका श्वेतों के साथ जो हुआ था, श्वेतों के साथ गोरे लोग कैसा व्यवहार करते थे, उसी प्रकार का व्यवहार यहाँ पे किया गया कि सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई और तमिलों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। नए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, और बौद्ध को मानने वाले कौन लोग थे, सिंहली लोग ही थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। फिर क्या हुआ, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ा दी, यानी कि अब श्रीलंकाई तमिलों में नाराजगी बढ़ने लगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें क्या लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी उन्हें लगा कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहली लोग हैं वही शासन सत्ता संभालेंगे और तमिलों की संस्कृति को बाद में चल के क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे, और सभी राजनीतिक पार्टियों में किसका अधिकार होगा, सिर्फ सिंहलियों का ही अधिकार होगा। तो ये सोच के वे क्या थे, ये काफ़ी परेशान थे। इसके अलावा उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ जो हैं उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, यानी कि सरकार ने जो नियम बनाया है वो क्या हो रहा है, उस नियम से क्या हो रहा है, उस नियम से जो ये लोग हैं सिंहली लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं, और क्या होगा बाद में जाके सिंहली लोग इस शासन पे अपना अधिकार जमाएंगे और तमिलों को शासन में न तो कोई अधिकार मिलेगा, न तो उनको कोई अलग प्रकार का कोई अधिकार दिया जाएगा, उनकी भाषाओं को, उनकी संस्कृतियों को भी धीरे धीरे क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सारा भेदभाव उन लोगों के साथ किया जा रहा था। देखिए ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका जो है इसमें यही क्या है, यही तमिल बोलने वाले लोग जो हैं यही हैं, ये सब क्या है, तमिल बोलने वाले। इसके अलावा ये श्रीलंकाई तमिल बोलने वाले, जो श्रीलंका के तमिल वाले, ये जो है ये क्या था, ये है भारतवंशी तमिल, जो भारत के लोग तमिलनाडु में जा तमिलनाडु के लोग जो भारत में जाके बसे थे, सॉरी तमिलनाडु के लोग जो श्रीलंका में जाके बसे थे ये लोग हैं। और ये जो ब्लैक है ये क्या है, ये है ब्लैक वाला मुसलमान, जो मुसलमान लोग हैं। तो इस तरह से यहाँ की जनसंख्या बटी हुई थी। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पे। इसके बाद क्या होता है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। श्रीलंकाइयों ने क्या किया, श्रीलंका के जो तमिल लोग थे उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। शिक्षा की मांग की, रोजगार की मांग की, यानी क्योंकि उस समय जो राजभाषा घोषित किया गया था किसे, सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था। तमिलों ने क्या किया, आंदोलन किया और पार्टियां बनाई, और इसके अलावा तमिल को राजभाषा बनाने के लिए, शिक्षा का अवसर पाने के लिए, रोजगार का अवसर पाने के लिए उसकी मांग करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, यानी कि जहाँ पे तमिलों की आबादी थी उन
आबादी जहाँ पे तमिलों की थी उसको क्या किया, उनकी बातों को नकार दिया गया, यानी कि इनकी आबादी जहाँ पे कम थी वहाँ पे इनकी बातों को माना नहीं गया। और 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी के दशक में क्या हुआ, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर आंदोलन होने शुरू हो गए, राजनीतिक संगठन बनने चालू हो गए। वो कब हुआ ये आंदोलन, कब शुरू हुआ, 1980 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ है, जब ये मांग जब चालू हो गई तो गृह, ये कह सकते हैं कि श्रीलंका में गृह युद्ध की तरह छिड़ गया, यानी कि यह तमिलों और सिंहलियों के रूप में एक गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि सिंहलियों को काफ़ी मान्यता दी गई थी और तमिलों के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था, तो इसलिए दोनों में टकराव शुरू हो गया, गृह युद्ध चालू हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के 1,000 लोग मारे गए, यानी कि सिंहली और तमिल का आपस में विद्रोह चालू हो गया और दोनों पक्षों के 1,000 लोग मारे गए। अपने परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, यानी कि काफ़ी लोग वहाँ से क्या हुए, भाग गए। इससे भी क्या हुआ, कई गुना लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। जब विद्रोह हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग भाग गए, अपना देश छोड़ के, अपना जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, और अब रोजी रोटी के लिए भी उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई, क्योंकि जब गृहयुद्ध शुरू हुआ तो काफ़ी लोग मारे गए, परिवार का मुखिया ही नहीं रहा, परिवार ही समाप्त हो गए, कई परिवार ही समाप्त हो गए, तो उसके अलावा जो लोग थे भुखमरी के शिकार धीरे धीरे होने लगे। देखिए श्रीलंका में रिकॉर्ड जो है वह अर्थशास्त्र के हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, क्योंकि एक तो श्रीलंका छोटा सा देश था और वहाँ की जनसंख्या भी उतनी अधिक नहीं थी, तो इस हिसाब से भी श्रीलंका की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। पर वहाँ के गृहयुद्ध ने क्या हुआ, मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पे काफ़ी परेशानी पैदा कर दी। और यह जो गृहयुद्ध का अंत था वो कब तक मतलब कब हुआ, गृहयुद्ध का जो अंत हुआ वो 2009 में, 2009 में जाकर इसका अंत हुआ। और 1900 श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था, श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, और कुछ टाइम बाद ही श्रीलंका में विद्रोह चालू हो गया था 56 के कानून बनने के बाद। तो लगभग हम ये कह सकते हैं लगभग 40-50 वर्षों तक आंदोलन, ये गृहयुद्ध चलते रहे, आपस में ये तमिलों और सिंहलियों का विवाद चलता रहा, अंत में जाके 2009 में क्या हुआ, यह गृहयुद्ध समाप्त हुआ। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, अगला जो टॉपिक रहेगा अगले दिन अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।